आपने ये तो जरूर सुना होगा, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर के रूप में जाना जाता है, जो अपने साहित्य, संस्कृति और वास्तुकला के लिए काफी प्रसिद्ध है। एक रिसर्च के मुताबिक लखनऊ भारत का दूसरा सबसे ज्यादा खुश रहने वाला शहर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 1000 किलोमीटर टूर्स पर। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं गोमती नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगर आप अभी तक लखनऊ शहर घूमने नहीं आए हैं तो एक बार जरूर आइएगा और इस शहर की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखिएगा। यहाँ के लजीज खाने का मजा लेते हुए, पुराने ऐतिहासिक कला को देखकर और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाते हुए आपको नवाबी जमाने में होने का एहसास होगा। लखनऊ अपने पुराने ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ भारत की प्रमुख व्यापारिक और मेट्रोपोलियन सिटी के रूप में उभर के आया है। अगर आप भी लखनऊ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि लखनऊ कब जाएं, कैसे जाएं, वहां पर घूमने खाने का जायका लेने का क्या क्या ऑप्शंस हैं और होटल और घूमने का कुल खर्चा कितना आएगा। बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक और आइए चलते हैं लखनऊ की सैर पर। लखनऊ के दशहरी आम और कबाब से लेकर यहाँ के चिकन की कढ़ाई का काम पूरे भारत वर्ष में मशहूर है। यहाँ पर वैसे तो हिंदी भाषा का चलन है, लेकिन हिंदी में भी आपको लखनवी अंदाज देखने को मिलेगा, जो यहाँ की भाषा को और भी खास बनाती है। दोस्तों, अगर आप लखनऊ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कम से कम 2 दिन का ट्रिप तो जरूर प्लान करिएगा, जिससे आप पुराना और नया लखनऊ दोनों अच्छे से घूम सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का मौसम सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं तो आपको बहुत तेज धूप और सूखी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। लखनऊ में घूमने और देखने के लिए काफी कुछ है जो पर्यटकों को लुभाती है। चलिए वीडियो के सबसे पहले भाग में बात कर लेते हैं यहाँ की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। लखनऊ का नाम सुनते ही लोगों को यहाँ की भूल भुलैया यानी कि बड़े इमामबाड़े की याद आती है। इसका निर्माण सन 1754 में लखनऊ के नवाब असफुद्दौला ने करवाया था। इस इमारत को बनवाने में किसी भी तरीके का सीमेंट या सरिया का इस्तेमाल नहीं हुआ था। बड़े इमामबाड़े की ग्राउंड फ्लोर का हॉल दुनिया का सबसे बड़ा हॉल है, जो कि बिना किसी सपोर्ट के खड़ा हुआ है। इसी इमारत के ऊपर एक भूल भुलैया है, जो कि सैलानियों के बीच बहुत फेमस है। दोस्तों, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि अगर आप इस भूल भुलैया के अंदर बिना किसी गाइड के जाते हैं तो आप निश्चित ही इसमें खो जाएंगे और अपना रास्ता भटक जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही नायाब और देखने योग्य जगह है। इस भूल भुलैया के अंदर प्रवेश करने के लिए तो बहुत से दरवाजे हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके बाद आप बड़ा इमामबाड़ा के परिसर में ही शाही बावली पर जा सकते हैं। ये 7 मंजिला इमारत है, जो जमीन के नीचे बनी हुई है। इस बावली की विशेषता है कि अंदर बैठकर आप बावली के अंदर घुसने वाले हर इंसान की तस्वीर नीचे भरे हुए काले पानी में आराम से देख सकते हैं, जबकि बाहर खड़े इंसान को इसकी भनक तक नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ये उस दौर का CCTV कैमरा था। बाहर चाहे कैसा भी मौसम हो, लेकिन इसके अंदर आपको हमेशा ठंडा ठंडा प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर के कुएं का पानी गोमती नदी से रिसकर आता था। इमामबाड़ा के परिसर में आप बहुत ही अच्छी तस्वीरें भी ले सकते हैं। इसी परिसर में आपको आसफी मस्जिद भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ के रूमी दरवाजा के आसपास का एरिया घूम सकते हैं, जो कि इमामबाड़ा के एकदम बाहर ही है। यह दरवाजा लगभग 60 फीट लंबा है और इसमें अवधि शैली की अनोखी वास्तुकला और भव्यता देखने को मिलती है। इस गेट को तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है और इसे सन 1984 में बनवाया गया था। दोस्तों, आपने इस दरवाजे को बहुत सी भारतीय फिल्मों में भी देखा होगा। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको क्लॉक टावर दिखाई देगा। वैसे तो आपने भारत और दुनिया में बहुत से क्लॉक टावर देखे होंगे, पर मैं आपको बता दूं
कि ये भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है, जिसे हुसैनाबाद क्लॉक टावर भी कहा जाता है। इस क्लॉक टावर की ऊंचाई 221 फुट है और ये लंदन के बिग बेन क्लॉक टावर के मॉडल पर बनाया गया है। आज भी इस क्लॉक टावर की घड़ी एकदम सही समय बताती है। दोस्तों, पुराने लखनऊ के इसी एरिया में आप आगे बढ़कर छोटा इमामबाड़ा भी घूम सकते हैं। ये देखने में बेहद सुंदर दिखाई देता है। इसके बाद पुराने लखनऊ की एक और जगह है जहां आपको विशेष रूप से जाना चाहिए। यहाँ की ब्रिटिश रेजिडेंसी को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में माना जाता है और ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थलों में से एक है। 1857 की लड़ाई के दौरान कई अंग्रेजों ने यहाँ पर शरण ली थी। ये किला अब खंडहर के रूप में बदल गया है। उस वक्त ये स्थान ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल का निवास था, जिस पर युद्ध के दौरान धावा बोल दिया गया था। हालांकि युद्ध के बाद ये खंडहर में बदल गया और आपको इसकी दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान दिख जाएंगे। दोस्तों, रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़े एरिया में फैली हुई है, जहां जाकर आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई से संबंधित बहुत जानकारी जुटा सकते हैं। अपने लखनऊ के ट्रिप के पहले दिन पुराने लखनऊ की इन सभी जगहों को घूमने के बाद आप चौक के लखनऊ के लजीज गलावटी कबाब और मक्खन मलाई का आनंद ले सकते हैं। इन्हीं चौक की गलियों के आसपास आपको लखनऊ के विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी वाले कपड़ों की खरीदारी का भी मौका मिलता है। इसके अलावा आप उन्हें बनते हुए भी देख सकते हैं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं, तो आपको यहाँ की अमीनाबाद मार्केट जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर मिलने वाली लखनऊ की फेमस बिरयानी भी आप खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन सब जगहों को घूमते हुए आपका एक दिन तो बीत जाएगा। इसके बाद अगले दिन की शुरुआत आप नए लखनऊ की तरफ घूमते हुए कर सकते हैं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। ये पार्क 375 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक भी मौजूद है। इस पार्क में जाकर आप पिकनिक मना सकते हैं या तो यहाँ पर बोटिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके गेट के पास आपको भारतीय सेना का लड़ाकू विमान मिग 21 भी देखने को मिल जाएगा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और सुकून देने वाले हरे भरे वातावरण में कुछ समय बिताने के लिए ये पार्क एकदम बेस्ट जगह है। इसके बाद आप इसी के पास में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जा सकते हैं। जिस प्रकार जनेश्वर मिश्र पार्क में आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, उसके विपरीत अंबेडकर पार्क का निर्माण राजस्थान से लाए गए स्पेशल गुलाबी पत्थरों और मार्बल से किया गया है। यहाँ पर आपको सैकड़ों हाथियों की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। इस पार्क के सबसे ऊपरी गुंबद के पास से आप लखनऊ और गोमती नदी का बहुत ही सुंदर व्यू देख सकते हैं। इसी पार्क के पास लखनऊ का फेमस मरीन ड्राइव इलाका है। ये लखनऊ के लोकल लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया हैंगआउट करने वाली जगह है। यहाँ पर आपको बहुत सा टेस्टी स्ट्रीट फूड भी खाने को मिल जाएगा। इसी मरीन ड्राइव इलाके में गोमती रिवर फ्रंट मौजूद है, जो कि गोमती नदी के किनारे बना हुआ एक बहुत ही सुंदर पार्क है। यहाँ पर आपको रात को जगमगाती हुई LED लाइट्स बहुत सुंदर लगेंगी। इसके साथ ही आप यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन भी एंजॉय कर सकते हैं। नदी के किनारे किनारे ठंडी ठंडी हवाओं के साथ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए ये बेस्ट जगह है। अगर आपके साथ बच्चे हैं या आपको भी जानवरों से बहुत प्यार है, तो आप यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह जू जा सकते हैं। ये भारत के कुछ सबसे बड़े और पुराने प्राणी उद्यानों में से एक है। यहाँ पर आपको स्नेक हाउस, बटरफ्लाई पार्क, बर्ड पार्क, बड़े बड़े एक्वेरियम और चिल्ड्रंस पार्क भी देखने को मिल जाएगा। इस प्राणी उद्यान में बहुत से विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के पक्षियों को भी देखा जा सकता है। लखनऊ के चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर, व्हाइट टाइगर, लॉयन, वुल्फ, हॉर्नबिल आदि बहुत से आकर्षक जानवरों को आप देख सकते हैं। इसी जू के अंदर आपको एक झील भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आप बोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टॉय ट्रेन भी चलती है, जिस पर बैठकर आप पूरे जू को घूमने का आनंद ले सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव होता है। दोस्तों, अगर आपको विज्ञान में रुचि है, तो आपको लखनऊ के फेमस साइंस सिटी जरूर जाना चाहिए। साइंस सिटी के अंदर
देश विदेश की विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर आप हमारी धरती, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मानव शरीर, फिजिक्स और स्पेस के अनेकों उदाहरणों को रूबरू प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। इसके अलावा भी लखनऊ में देखने के लिए और बहुत सी जगह हैं, जैसे कि कई थीम पार्क, एडवेंचर पार्क और वाटर पार्क। शॉपिंग के शौकीनों के लिए लखनऊ में वैसे तो बहुत से मॉल हैं, पर यहाँ का फिनिक्स पोलासियो मॉल भारत के कुछ गिने चुने बड़े मॉलों में से एक है। इसके नायाब आर्किटेक्चर को देखकर आप चकित हो जाएंगे। इसी मॉल से सटा हुआ स्थित है यहाँ का एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। शाम के वक्त आप लखनऊ के सिटी सेंटर हजरतगंज में बिता सकते हैं। इस जगह को लखनऊ का दिल भी कहा जाता है। यहाँ पर आप शॉपिंग करते हुए यहाँ के लजीज स्ट्रीट फूड और लखनऊ के टेस्टी व्यंजनों का मजा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में बात कर लेते हैं लखनऊ में रहने, घूमने और खाने की। अगर बात करें होटल की, तो लखनऊ में आपको 800 रुपए से लेकर 8 से 10,000 रुपए तक के होटल मिल जाएंगे। हमारी राय में आप चार बाग एरिया के आसपास या गोमती नगर के आसपास होटल लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा लोकल घूमने के लिए आप बाइक या स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, जो कि आपको 500 से 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाएगी। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है या आप टैक्सी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको 1200 प्रतिदिन के हिसाब से टैक्सी वाला लोकल साइट सीइंग करा देगा। दोस्तों, अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लखनऊ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन भारत के सबसे सस्ते ट्रांसपोर्टेशन में से एक है। यहाँ पर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और लोकल एसी सिटी बस मिल जाएगी। इसके अलावा आप लखनऊ की मेट्रो का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि लखनऊ शहर के काफी बड़े हिस्से को कवर करती है। बात करें खाने पीने की, तो लखनऊ का लाजवाब जायका सभी को पसंद आता है। आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के टेस्टी डिशेस मिल जाएंगी। यहाँ के खाने का स्वाद इतना अच्छा है कि आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। लखनऊ की बिरयानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसका स्वाद आपको जरूर चखना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ के गलौटी कबाब लखनऊ की एक खासियत है। अगर आप चाट के शौकीन हैं, तो आपको लखनऊ की बास्केट चाट का स्वाद जरूर चखना चाहिए, जिसे खाने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से हर साल सैकड़ों लोग आते हैं। इसके अलावा भी आप लखनऊ में शर्मल, नरही, कुलचा, खीर, जलेबियाँ, चाट, कोफ्ता, समोसा, कुल्फी, पेठा और कचौड़ियों जैसी अनगिनत चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में बात कर लेते हैं कि आपको लखनऊ पहुंचना कैसे है। अगर सड़क मार्ग की बात करें, तो आपको यूपी के बाकी शहरों, दिल्ली और आसपास के अन्य राज्यों से सीधी ऑर्डिनरी व वॉल्वो बस सेवाएं मिल जाएंगी। अगर आप दिल्ली से लखनऊ बाय रोड भी आना चाहते हैं, तो आपको बेहतरीन आगरा एक्सप्रेसवे देखने को मिल जाएगा। अगर आप ट्रेन के माध्यम से लखनऊ आना चाहते हैं, तो यहाँ के चारबाग रेलवे स्टेशन तक आपको भारत के हर कोने से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। इसके अलावा भी लखनऊ में 4 से 5 और रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। यहाँ का चारबाग रेलवे स्टेशन अपने आप में देखने के लिए एक बहुत ही नायाब आर्किटेक्चर प्रस्तुत करता है। अगर आप हवाई माध्यम से लखनऊ आना चाहते हैं, तो आप यहाँ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आ सकते हैं। यहाँ के लिए आपको भारत के हर बड़े शहर और आसपास के देशों से सीधी इंटरनेशनल उड़ानें भी मिल जाएंगी। दोस्तों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से अपने होटल तक पहुंचने के लिए आप मेट्रो, ऑटो या ई रिक्शा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत कम किराया लगता है। चलिए, वीडियो के आखिरी भाग में बात कर लेते हैं खर्चे की। अगर आप कम से कम यानी कि 2 दिन का लखनऊ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आपका एवरेज 3,000 रुपये होटल का, 1,000 रुपये खाने पीने का और 1,000 से 1,500 रुपये लोकल घूमने में खर्च होगा। दोस्तों, ये खर्चा आपके घूमने के स्टाइल पर निर्भर करता है। अगर आप लोकल ऑटो, एसी सिटी बस या मेट्रो से घूमते हैं, तो ये किराया इससे भी कम होगा। और वहीं अगर आप खाने पीने, शॉपिंग और होटल पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो आपका बजट ज्यादा जाएगा। तो ये था 1000 किलोमीटर टूर्स की तरफ से लखनऊ शहर का एक कंप्लीट टूर प्लान। कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या आप भी लखनऊ जाने का प्लान कर रहे हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जो कि लखनऊ घूमने का शौक रखते हैं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं,
तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी 1000 किलोमीटर्स फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। इस वक्त आपको भारत के और भी बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस का वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए और मजेदार ट्रैवल टूर प्लान के साथ। जय हिंद।